आज इस लॉकडाउन के समय में निर्मल वर्मा, जो कि इनर जर्नी, पोएट ऑफ लोनलीनेस उनको कहा जाता है, एलियनेशन और तमाम वो चीज़ें जिसकी हम विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी कहानियों से हम एक अंदर की जर्नी शुरू करते हैं और उसको पढ़ते हुए आत्मसात होते हैं। ये बात आप सब महसूस करेंगे जब आप आज की ये कहानी जिसको मैं सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले सिर्फ एक बात कि ये अप्रैल का महीना और 3 अप्रैल को हमने निर्मल जी की 91st बर्थ एनिवर्सरी मनाई और वो मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं और हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत सी विधाओं के साथ समृद्ध किया है और उनको 5 ग्रेट इनोवेटर्स ऑफ द फिक्शनल मीडियम इन हिंदी कहा जाता है। कहानी आपके लिए मैं शुरू करने जा रही हूँ, धूप का एक टुकड़ा। लोग है और किस तरह से आप उस कैरेक्टर के साथ जर्नी करेंगे और अपने अंदर अपनी छुपी हुई भावनाओं और अपने बहुत सी डायमेंशंस को आप जान पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कहानी धूप का एक टुकड़ा, निर्मल वर्मा। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए ये कोना ही काफी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं बैठ जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वो मेरी है। जी हाँ, मैं रोज यहाँ बैठती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझे, इस पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा। भला म्यूनिसिपैलिटी की बेंचों पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पहले की तरह ही खाली हो जाता है। किसी को भी याद नहीं रहता कि फलां दिन यहाँ फलां आदमी बैठा था। जब कुछ देर के बाद कोई नया आगंतुक आकर वहां बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उससे पहले वहां कोई स्कूल की बच्ची या अकेली बुढ़िया या नशे में धुत जिप्सी बैठा होगा। नाम वहीं लिखे जाते हैं जहां आदमी टिक कर रहे। तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों पे नाम न भी रहे तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जाता आदमी जानबूझकर किसी दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ। नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौकों पर लोग अब भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो रोज देखती हूँ, इसीलिए मैंने ये बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधे गिरजे पर जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बड़ा पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बहुत बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले ही अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मन मुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के मौके पर वर वधु में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। उन दिनों ये जगह सुनसान पड़ी रहती है, ना कोई भीड़, ना कोई घोड़ा गाड़ी, भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने वो सामने वाली बेंच पर एक लड़की को देखा था। अकेली बैठी थी और सूनी आंखों से गिरजे को ताक रही थी। पार्क में यही एक मुसीबत है, इतने खुले में सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं और दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण है कि अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले आते हैं, सड़कों पर, पब्लिक पार्क में, किसी पब में। वहां आपको कोई तसल्ली ना भी दे तो भी आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है।
इससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। ये क्या कम राहत है? मैं तो ऐसा ही करती हूँ, सुबह से ही अपने कमरे से निकल आती हूँ। नहीं नहीं आप गलत ना समझे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं धूप की, आपने देखा होगा सारे पार्क में सिर्फ यही जो पेड़ के नीचे नहीं है, इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं झड़ता। फिर इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि मैं यहाँ से सीधे गिरजे की तरफ देख सकती हूँ। लेकिन शायद ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो न वर को जानते हैं न वधु को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीजों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस प्रैम्बुलेटर के आगे बैठे थे, पहली इच्छा ये हुई कि झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होता नहीं, इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मुंह में चूसनी दबाए लेटे रहते हैं। फिर भी जब भी मैं किसी प्रैम्बुलेटर के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांक लेने की जबरदस्त इच्छा होती है। मुझे ये सोचकर काफी हैरानी होती है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, उनसे उबने की बजाय आदमी सबसे ज्यादा उन्हीं को देखना चाहता है, जैसे प्रैम में लेटे बच्चे या नवविवाहित जोड़ा या घोड़ा गाड़ी या मुर्दों की अर्थी। आपने देखा होगा ऐसी चीजों के इर्द गिर्द हमेशा भीड़ जमा हो जाती है, अपना बस हो या ना हो पांव खुद ब खुद उनके पास खिंचे चले जाते हैं। मुझे कभी कभी ये सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीजें हमें अपनी जिंदगी को पकड़ने में मदद देती हैं, वे चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं। हम ना उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं ना किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं, या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं, या अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? आप हंस रहे हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब कुछ और था। कौन ऐसा आदमी है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं कर सकता? मैंने सुना है कुछ ऐसे देश हैं जहां जब तक लोग नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक विवाह करने का फैसला नहीं करते, और बाद में उन्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक ये फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरका कर किसी दूसरे को वहां आने देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया, और अब मैं आपसे इस तरह बातें कर रही हूं मानो आपको बरसों से जानती हूं। लीजिए, अब ये दो चार सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती रही तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से ये देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो ये भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे वही लोग आज भी हैं, वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही। जैसे इस दौरान कुछ नहीं बदला। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था, लेकिन ये मुद्दत पहले की बात है। तब ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी सीधा गिरजे के दरवाजे पर आकर ठहर सके। हमें उधर वो गली के पिछवाड़े रोक देना पड़ा था उसे, और तब
मैं अपने पिता के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पाँव ना फिसल पड़े। पता नहीं वो लोग अब कहाँ होंगे जो उस रोज भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी ये अकेली लड़की, ये अकेली औरत वही लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी। सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? आदमियों की तो बात मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो घोड़ा मुझे ज़रूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। कभी आपने घोड़े की आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे वे अपने किसी बहुत ही आत्मीय चीज़ से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस अलगाव के आदि नहीं हुए हैं। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। किसी चीज का आदि ना हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। वो लोग जो आखिर तक आदि नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं, या मेरी तरह धूप के एक टुकड़े की खोज में एक बेंच से दूसरे बेंच का चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार ना भी रहे तो भी बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ, अगर सुख का मतलब है कि अपने अकेलेपन को हम खुद चुन सकें। लेकिन चुनना एक बात है और आदि हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ देर उस पब में ज़रूर बैठती हूँ जहाँ वो मेरी प्रतीक्षा किया करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब बोनापार्ट पहली बार इस शहर में आया था तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब पहली बार उसने मुझे कहा कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे, तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहे और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैचू के नीचे? बाद में जो उसका शौक था वो मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहां मुझे मिलने से पहले वो बैठता था, या शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहां मैंने बचपन गुजारा था। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वो हमारे साथ नहीं था। हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें ये सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब वो हमारे बगैर जीता था, प्यार करता था, सोता जागता था, और फिर अगर कुछ साल उसी आदमी के साथ गुजार दें तो ये कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है और कौन सी दूसरे से चुराई है। जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह वो आपस में इस तरह घुल मिल जाती हैं कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर नहीं कह सकते कि ये पत्ता मेरा है और वो पत्ता उसका। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को एक छूट मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीर फाड़ खुद कर सकें, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं।
आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुंचेंगे। माँ बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरों के, और आखिर की सूखी डंठल आपके हाथ में रह जाएगी जो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद जला दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है। मैं ये नहीं मानती। वो उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जिनसे वो लड़ता था या प्रेम करता था। वो अपने भीतर एक पूरी दुनिया लेकर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के मरने पर जो दुख होता है, वो थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे देखिए, वो जाग गया। जरा परैम्बुलेटर हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, धीरे धीरे अपने आप चुप हो जाएगा। मुंह में चूसनी दबाकर इस तरह लेटा है जैसे कोई छोटा मोटा सिगार हो। देखिए कैसे ऊपर बादलों की तरफ टुकुर टुकुर कर देख रहा है। जब मैं छोटी बच्ची थी, तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरह घुमाती थी जैसे मेरे इशारे से ही आकाश में चल रही हूं। आप क्या सोचते हैं, बच्चे इस उम्र में जो कुछ देखते या सुनते हैं, क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा। कोई आवाज, कोई झलक या कोई आहट जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं, लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज को हमने कहीं सुना है, ये घटना या ऐसी ही कोई घटना पहले भी कभी हुई है। और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमा थी, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान वहां है, घात लगाए कोने में खड़ी रहती है मौके की तलाश में कि फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच भी अचानक आपको पकड़ लेती है। और तब आप कितना ही हाथ पांव क्यों ना मारे, कितना ही क्यों ना छटपटाएं, वे आपको छोड़ती नहीं। मेरे साथ एक रात ऐसे ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ाकर जाग उठती थी और सहसा ये भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं है, और मुझे लगता था कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं, मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाजा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई नहीं था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा, वो दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था जैसे हर रात सोता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब मुझे पता चला कि वो खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वो मुझे छूता हुआ चला गया। न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां वो लेटा था, और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी, उसकी देह के उन सब कोनों को जो एक जमाने में मुझे तसल्ली देते थे। मुझे ये अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूं और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट आते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं ना। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडहरों पर अपना नाम तलाशते हैं जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे, लेकिन मेरा नाम वहां कहीं नहीं था। कुछ और निशान थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था और जिनका मुझसे दूर कभी वास्ता नहीं था। मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही
और मेरे हाथ मुर्दा होकर उसकी देह पर पड़े रहे। मुझे ये भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वो मैं किसी से नहीं कह सकती। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठी आ गई। कैसा खटका? क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वो मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उनका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए किसी कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष। मुश्किल ये है कि जो एक व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई ये नहीं कहता कि देखो, वो औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं बीच सड़क पर खड़ी हो जाती थी। इच्छा होती थी कि लोगों को पकड़ पकड़ कर शुरू से आखिर तक सब कुछ बताऊं, कैसे कैसे हम पहली शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहे, वो पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे, कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटा कर चूमा था, कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे ये लगता था कि जब तक मैं उन्हें ये सच नहीं बता दूंगी, तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगी जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था और बरसों बाद ये इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं जहां मेरे माँ बाप सोते थे। लेकिन वो कमरा खाली था। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि आप आधी रात को जाग जाएं अगर, और कितना ही क्यों ना चीखें चिल्लाएं, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वो हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आती, भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपती हैं, दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहां बच्चों का स्कूल था वहां खंडहर है, जहां खंडहर थे वहां उड़ती धूल। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं, और जी हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधी गिरजे के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चलकर यहाँ आए थे। वो आप सुन रहे हैं ऑर्गन का संगीत, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, संगीत की आवाज यहाँ तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर और है और वो बाहर आने वाले हैं। अब लोगों में इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर चले जाएं। मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ, आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक मैं यहीं रहती हूँ, फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं ये देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती। लेकिन ये बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर
पत्ते नहीं झड़ते और दूसरा अरे अरे आप जा रहे हैं। थैंक यू। सो ये थी निर्मल वर्मा कहानी धूप का एक टुकड़ा। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगर आपके कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा नरेशन। बिफोर वी क्लोज आई वुड थैंक यू निजा, आई वुड लाइक टू से कि निर्मल वर्मा एक बहुत बड़े कथा शिल्पी थे। एक उसकी उनकी जादुई भाषा जो थी वो पाठक को मनुष्य की स्थिति और नियति के अंधेरे उजाले संसार में ले जाती है। थैंक यू प्रीति। हिंदी लेखन में जो उन्होंने एक आधुनिकता का बोध लाए, वो बोध क्या था बेसिकली? कि यथार्थ को भेद कर उस सब जगह जाना जहाँ हम जाना चाहते हैं पर पहुँच नहीं पाते। कुछ क्रिटिक्स इनकी कविताओं के लिए, इनकी इनकी लेखन के लिए एक ऐसा शब्द कहते हैं जो जो मुझे लगता है बहुत ही खास है। वो कहते हैं कि निर्मल वर्मा की कहानियाँ वायवीय हैं। वायवीय मीन्स रियलिटी से थोड़ा दूर मगर सच। ये इनकी कहानी में जो ऑथेंटिसिटी है उससे हम जानते हैं कि सच्चा होने के लिए यथार्थ ही जरूरी नहीं सच्चाई को व्यक्त कर सकती है। निर्मल वर्मा जी इज कंसिडर्ड अ सेरेब्रल राइटर, एक बौद्धिक लेखक जिनकी कला में जो एटमोस्फेयर्स है उसको बहुत, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है और ऐसे लगता है जैसे हवा भी बह रही है तो उसमें इंटेलेक्चुअल कंपन है। तो उनकी बहुत ही सक्षम और व्यंजक भाषा है और बहुत नुएंस्ड, बहुत सूक्ष्मता से वो पढ़ते हैं और उसमें एक मॉरल फोर्स भी होती है। बहुत पैशनेटली लिखते हैं, उनके बारे में घंटों घंटों दिनों बात की जा सकती है। लेकिन अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्राइडे फेबल्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दोज ऑफ यू हु ज्वाइंट, एंड आई एम सॉरी जिन्हों जो पहले ज्वाइन किए थे शायद वो छोड़ गए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी रीडिंग दिस अलाउड टू यू। थैंक यू वेरी मच।